पाकिस्तान की आवाम बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा लगता है, मन करता है यहीं घर बना लें। Now what do you think about? हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर। इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूं, कुछ सुनने में आया है कि अभी हाल फिलहाल में जब यह मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं या बना रहा हूं तो दो तीन दिन पहले यानी कि आज 29th of December 2022 है। इससे पहले अभी हाल फिलहाल में 100 इंडियंस विजिट टू पाकिस्तान। ओके, इंडियन रिएक्शन और पाकिस्तान, देखते हैं कि वहां पर पहुंचकर पब्लिक क्या कह रही है। मतलब इंडियन लोग पहुंचे हैं, क्यों पहुंचे हैं, किस लिए पहुंचे हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता। स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। मैं हूं सनम जद और आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबसे बहुत ही जबरदस्त तो यकीन होने वाली यार, है क्योंकि हमारे हमसाये मुल्क भारत से 100 मेहमान आए हैं पाकिस्तान दौरे के लिए। तो आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं कि उनका पाकिस्तान का दौरा कैसा रहा, पाकिस्तान में वो कहां कहां घूमे और उन्हें पाकिस्तान कैसा लगा। तो आइए पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की विजिट के हवाले से उनसे बातचीत करते हैं। कहां से आई आप? गुजरात से। इंडिया गुजरात से? हां, इंडिया गुजरात से। आप भी गुजरात से? बिल्कुल। कितने दिन हो गए आपको पाकिस्तान लाहौर में आए हुए? 4 दिन हो गए। 4 दिन है? 4 दिन में कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या किया? कटाक्सराज गए, पहले कटाक्सराज गए, उसके बाद हम लोग 2 दिन कटाक्सराज रहे और कल रेस्ट किया शाम को, फिर आज हम पूरा दिन से सुबह से घूम ही रहे। हम बाजार गए वगैरह वगैरह सब गए, अनारकली शॉपिंग करने। अच्छा, आप पहली दफा पाकिस्तान? पहली बार आए हैं। तो कैसा लगा पाकिस्तान का दौरा? बहुत अच्छा लगा। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसा लगा पाकिस्तान का विजिट? कितने दिन हो गए आपको पाकिस्तान आए हुए? पिछले साल आए थे। अच्छा। ग्रुप लेकर 2021 दिसंबर में आए, 2022 में। बहुत अच्छा लगा, पाकिस्तान की आवाम बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा लगता है, मन करता है यहीं घर बना लें। अच्छा, जब आपने सोचा कि पाकिस्तान आना है तो रोका नहीं गया कि नहीं भाई पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए? मैं भगवान से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला से, कि हर साल पाकिस्तान आऊँ। अच्छा, पाकिस्तानी कैसे लगे? पाकिस्तानियों ने कितना प्यार किया, कितनी सेवा की आप लोगों की? बहुत प्यार करते हैं, बहुत। पाकिस्तान ने अपने सराखों में डाक रखा, बहुत प्यार दिया। मैं सनम जद। अरे हाँ, मैंने देखा है आपको कहीं ना कहीं। आप थोड़ा आगे आ जाए, मुझे बताएं कि पाकिस्तान का दौरा कैसा रहा आपको, एंजॉय कर रहे हैं? कितने दिन हो गए आए हुए? दौरा चल रहा है और बहुत मजा आ रहा है, वापस जाने का मन नहीं कर रहा है। नहीं जाए, फिर रुक जाए, यहीं पे रह ले। हाँ यार, चलो। अभी वीजा छोटा मिला है हमें, 5 दिन का मिला है, तो गवर्नमेंट से कहेंगे कि हमें कम से कम 10 दिन का वीजा दे। अच्छा। जो देखने को मिले गांव हमारे, क्योंकि हम भी गांव से रहने वाले, टाइम रुकना चाहते हैं भाई जी। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ हमारे हमसाये मुल्क से आए हुए बहन भाई मौजूद हैं और ये बहुत इंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान के इस टूर को। अच्छा मुझे सर आप बताएं, आपने मुझे पहचान लिया तो डेफिनेटली आई वांट टू टॉक टू यू मोर। कैसा लग रहा है पाकिस्तान का विजिट, कितने दिन हो गए हैं वे, कितना घूमे? डिबेट्स मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। जब दोनों साइड की बातें करते हो ना, लड़ाई भी करते हो, मेरे को वो बहुत पसंद है। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए अगर 5 दिन का वीजा है ना, तो हम अभी चकवाल डिस्ट्रिक्ट घूम कर आए हैं और अभी थोड़ा लाहौर हमने एक्सप्लोर किया है। So, अभी हमें और चाहिए थोड़ा सा ना घूमने के लिए। हम चाहते हैं इस्लामाबाद, कराची का भी वीजा हमें इसीलिए मिले। और कहा जाता है कि पाकिस्तान का वीजा इंडियन के लिए लगना और इंडिया के लिए पाकिस्तान का वीजा लगना बहुत मुश्किल होता है, तो आपके लिए आसानी थी? जी, कितनी मुश्किल से हम लोग आपके पास आए हैं। तो आप अपनी गवर्नमेंट को बोलिए कि कुछ ना रिलीज करें और वीजा और इजी करे लोगों के लिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप लोगों से मिले। एंड वन मोर थिंग, आप ना इधर देखिए, इधर कोई फर्क नहीं है यार चेहरों में, है ना, सब एक जैसे, छोटे बच्चे देखो सब हमारे अभी ऐसे देख के खुश हो रहे हैं और वो भी हमें देख के खुश हो रहे हैं, हम भी इनको देख के बहुत खुश हो रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं कि पाकिस्तान में अभी कितने दिन का मजीद टूर बाकी है आपका? अभी हम लोग कल निकल जाएंगे। ओ, इतनी जल्दी? जी जी बिल्कुल। जाए, रुक जाए, मैं तो कहती हूँ रुक जाए, मत जाए वापिस। लेकिन वो लोग भेज देंगे ना, वीजा 5 दिन का ही मिला है। मैं यही कहूंगा कि अगले साल तो दिसंबर में आना, उससे पहले अगर वीजा लगता तो लगता है। ये पिलीग्राम वीजा होता है, धार्मिक वीजा, और गवर्नमेंट का 200 आदमी इसमें अलाउड होता है। वही मैं बोल रहा हर साल। तो सर जी आपके साथ एक सेल्फी हो जाए जल्दी से, ताकि हमें याद रहे। अच्छा सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने मुझे पहचान लिया है और उन्होंने कहा है कि इनको मेरी डिबेट जो है वो बड़ी अच्छी लगती है। तो मुझे लड़ाई कम किया करो, थोड़ा गुस्सा कम किया करो। अच्छा मैं तो गुस्सा करती नहीं हूँ, मैं तो जनरल क्वेश्चन करती हूँ ना लोगों से। जी जी, अब देखिए जो सवाल सच्चे होते हैं ना वो थोड़ा मेरे क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत तीखी होती है आपकी, क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ हमारे इंडियन बहन भाई मौजूद हैं जो इंडिया से पाकिस्तान विजिट करने के लिए आए गए थे। एक बहुत मतलब बैड इमेज बना हुआ था कि पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के दरमियान नफरतें पाई जाती हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग कितना मिल
झूल कर जो है एंजॉय कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे है ये। कहाँ से इंडिया से? मैं गुजरात राजकोट से आई हूँ। यहाँ पर आकर बहुत मेरे को अच्छा लगा और हर साल यहाँ आती रहूंगी, ये सोचती हूँ मैं। मुझे ये बताएं कि खवातीन ने शॉपिंग कितनी की है? बहुत ज्यादा की। सबसे ज्यादा आपने की? 20,000 की करी है। 20,000 की शॉपिंग कर ली? बड़ा हमें टाइम बहुत कम मिला गया इसलिए बहुत कम शॉपिंग की है। चले कोई बात नहीं, मैं चाहूंगी कि अभी आपके पास एक दिन मौजूद है तो आप जितनी शॉपिंग करना चाहती हैं आप करें। वैसे इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर में कोई फर्क नहीं है ये हमारे सर। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय कुमार, इंडिया कहाँ से आए? जमशेदपुर झारखंड, टाटा नगर से। पाकिस्तान कैसा लगा? पाकिस्तान के लोग कैसे लगे? पाकिस्तान बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ के लोग भी अच्छे लगे। लेकिन सबसे पहली बात है कि यहाँ के जो प्रेम है वो अच्छे लगे। और ये हम अपने भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हैं कि जो हमारे भोलेनाथ की वजह से हम लोग यहाँ पे दर्शन करने आए और इस धाम की वजह से हम लोग आज आप सब से मिल रहे हैं। अच्छा, आप पहली दफा पाकिस्तान आए या पहले भी पाकिस्तान का दौरा किया? मैं चौथी बार रहा, तीसरी बार आया। अच्छा, पाकिस्तानियों के बारे में क्या कहेंगे? हम हमेशा लोगों से पूछते हैं कि व्हाट यू पीपल थिंक अबाउट इंडिया, तो आज मैं इंडियन से पूछना चाहूंगी कि व्हाट दे थिंक अबाउट पाकिस्तान। पहले तो मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, मैं हिंदुस्तान के आवाम को सलाम करता हूँ और हिंदुस्तान भारत मेरा महान देश है, भारत के बारे में बोलूंगा और इन हिंदुस्तान के साथ साथ आपके आवाम को भी मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इतना खातिरदारी की और इतना इस्तकबाल किया। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में हमारे हमसाए मुल्क के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और अपने टूर को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर ये सारे इंडियंस हैं जो इंडिया से आए हैं पाकिस्तान के दौरे के लिए। आगे चलते हैं और मजीद लोगों से बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते, आई एम कमिंग फ्रॉम चेन्नई बट माई यात्री 21 यात्री। दिस यात्री इज वेरी नाइस एंड वेरी वंडरफुल अरेंजमेंट्स फॉर विजय एंड संजय, so very very nice in government and though government the Indian government and Pakistan government they are very cooperating in yatra. So all thanks for the government of India and government of Pakistan and then special thanks of the Vijay and Sanjay, then additional secretary and deputy secretary and other police officers almost. Okay. Very well protocol is a very nice protocol. Yes. Very happy. Now what do you think about Pakistan? Pakistan is very nice, very nice. But friendly relations. That means Akhanda Bharatam. That's one of the time. This is a whole of Akhanda Bharatam. Ye Lavakusala idare na? Lavakusala da birth idar, idar death idar. Actually birth anger, okay. India. So it combined. Birth in India, but India Pakistan is almost combined. Okay. Ma'am, what's your name? My name is Jhansi Rani. कहाँ से हैं आप इंडिया से? मैं चेन्नई से आ रही हूँ। चेन्नई से? कितने दिन हो गया पाकिस्तान आए? 5 दिन हुआ आज से, 5 दिन हुआ। कल छे हम दिल्ली जा रहे हैं। पाकिस्तान में क्या करने आए? हम कटासराज दर्शन करने के लिए आए हैं। कैसे रहे आपके कटासराज के दर्शन? बहुत अच्छे से, बढ़िया से हुई थी, सबसे मिल के बहुत अच्छा भी लगा हम लोग को। अच्छा, पाकिस्तान में आना, पाकिस्तान में रहना, यहाँ का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सब कैसा लगा? सब फाइन, वेरी फाइन। मतलब हम लोग को बहुत, हमने जो सोचा ना उससे भी ज्यादा अच्छा ही किया, हम लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा है। इजीली वीजा मिल गया पाकिस्तान आने के लिए? इजी मिल गया। दोबारा प्लान है पाकिस्तान आने का? हाँ जी जरूर। अच्छा, व्हाट अबाउट, मतलब लाइक व्हाट यू थिंक अबाउट पाकिस्तानी पीपल? पाकिस्तानी लोगों से डेफिनेटली आप मिले होंगे, तो पाकिस्तान के लोगों से कितना प्यार, कितनी मोहब्बत मिली? वेरी नाइस, वेरी हार्ड वर्कर्स। अच्छा, वेरी हार्ड वर्कर, वेरी नाइस। So I will be seen in Lahore only. Very hard workers. Not Karachi, I know. Achha. But only Lahore I will visit. Right. But very nice places. मुझे आप बताएं, आप पाकिस्तान में किन-किन शहरों को फिरे हैं? I think that this month of December very thanda hai. So this program is May, June or June, July. That's better too. हाँ, उसमें आना चाहिए. Indian people also. अभी ठंडा है. Very enjoyed the place. सही, इनका ये कहना है कि दिसंबर में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ठंड है, ये जो प्रोग्राम है ये किसी खुले मौसम में रिकॉग्नाइज करवाना चाहिए ताकि इन लोगों को पाकिस्तान आकर यहाँ पर घूमने फिरने का और वेदर को एंजॉय करने का और यहाँ पर जगह घूमने का जो है ज्यादा मजा आए। जी तो आपको आज
आज हमने अपने मेहमान बहन भाइयों से मिलवाया जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे यात्रा के लिए। आपने देखा और सुना कि उनका पाकिस्तान का दौरा कितना अच्छा रहा और उन्हें पाकिस्तान के बहन भाइयों से कितना प्यार और मोहब्बत मिला। मुझे भी उनसे मिलकर दिली तौर पर बहुत खुशी हुई और ये एहसास हुआ कि वाकई में वहाँ की आवाम यहाँ की आवाम से और यहाँ की आवाम वहाँ की आवाम से बहुत मोहब्बत करती है। जो नफरतें हैं, जो फसादात हैं, वो सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया की हद तक हैं। आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो है, एक इंडियन लोग जो हैं 100 लोग पहुंचे हैं, भले ही रिलीजियस पर्पज से पहुंचे हों, कुछ विजिट करने पहुंचे हों, रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ पर उनकी वजह से पहुँचे हों, लेकिन वहाँ जाकर एक आप बॉन्ड वो देख सकते हैं कि कनेक्शन पब्लिक के बीच या फिर वहाँ पर जाकर उनको कैसे ट्रीट किया गया इंडियंस को, यहाँ से जो इंडियंस पहुँचे उनको कैसे मेहमान नवाजी की गई, उनको कैसे देखा गया, उनवर्स थे वो क्लियर हुए बहुत सारे और बहुत पॉजिटिव, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा वीडियो था कि इसके अंदर लोगों ने अपने अपने व्यूज़ बताए, कोई चेन्नई से है, कोई गुजरात से है, कोई कहीं से है, कोई दिल्ली से है और लोग बोल रहे हैं कि भाई हमें ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान में ही अपना घर बना लें और वीज़ा जो है 5 दिन से 10 दिन का होना चाहिए, 5 दिन का नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टाइम चाहिए घूमने फिरने के लिए, उनको मौका चाहिए वहाँ पर घूमना चाहते हैं। तो ये सारी खूबसूरती देखने को कहाँ मिलती है भाई, आजकल बहुत कमी से मिलती है और लोग हर साल विज़िट करते हैं तो वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो शायद सोशल मीडिया पर आप ना देख पाएँ, क्योंकि हर जगह नफ़रतें सोशल मीडिया पर आप देखेंगे, बहुत सारी नफ़रतें आप देखेंगे कि ये बुरा वो बुरा तू बुरा, आपस में लड़ते हुए देखेंगे आप इंडिया पाकिस्तान को सोशल मीडिया पर। वो चीज़ें आप रियलिटी में अगर देखें तो ऐसा कुछ है नहीं। वहाँ की मेहमान नवाजी अक्सर हमने सुनी होती है, देखी होती है, मशहूर है पाकिस्तान में कि मेहमान नवाजी तो वही हमने बहुत सुनी है और लोग एक्सपीरियंस कर हमने उनके मुंह से सुना खुद की यार सच में वहाँ पर मेहमान नवाजी काफ़ी अच्छे से की जाती है, वो भी इंडियंस की, खासकर इंडियंस की। तो खूबसूरत वीडियो के साथ हम यहाँ पर एंड करते हैं, एंजॉय किया होगा आपने भी हमारे साथ। अगर ऐसे वीडियोस देखने चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सजेशन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कुछ भी कह सकते हैं वीडियो के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।